हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लविंग फैमिली। अच्छा, आज एक बात बताइए आप लोग कि कितने लोग हैं जो पहले अपने आप से प्यार करते हैं, बाद में दूसरों से। 75% तो होंगे, सिर्फ 25% ही लोग होते हैं जो पहले अपने आप को देखते हैं और बाद में दूसरों को। लेकिन ऐसा नहीं है, हम समझ सकते हैं आप किसी न किसी से बहुत प्यार करते हैं, कोई अपने पेरेंट्स से, कोई अपने भाई से, बहन से, परिवार में किसी से भी। और सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि पहले दूसरों के लिए देखते हैं, फिर बाद में अपने लिए। अब तो विंटर जा चुके हैं और समर आ चुका है, तो कुछ बातें हैं जो आज मैं क्लियर करूँगी कि पहले अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। जो 75% लोग हैं जो पहले दूसरों के लिए निकालते हैं टाइम, ठीक है, आप अपने घर वालों से प्यार करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ उन टाइम्स में कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए। क्योंकि अगर आप नहीं ठीक हैं, आप नहीं मन से खुश हैं, तो आप अपने घर में, अपने परिवार में किसको कैसे खुश रख पाएंगे। जब आप खुश तो सब खुश, कहते ना, जब मन खुश तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मुझे तो बहुत होती हैं, जैसे पसीना आना। सबसे बड़ी समस्या पसीना आना, कोई भी हो, पसीना तो सबको आता है, जैसे चाहे वो कॉलेज गर्ल हो, चाहे वर्किंग वूमेंस हो, चाहे वो हाउसवाइफ ही हो, सभी को पसीना आता है। अब जो कॉलेज गर्ल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो वो तो बोलेंगी कि मैं तो बाहर जाती ही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो वर्किंग वूमेन हैं, जो कॉलेज गर्ल हैं, या जो जेंट्स हैं, वो भी बाहर जाते हैं, वो भी काम करते हैं, उन्हें भी अच्छा दिखने का हक है भाई। तो उनके लिए आज कोई कुछ टिप्स हैं। जैसे गर्मियाँ आ चुकी हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वाटरमेलन, खीरा, एसेट्रा एसेट्रा, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी खाइए। वो तो इंटरनली हो गया, लेकिन कुछ आपकी स्किन भी आपसे मांगती है, उसके लिए भी कुछ तो करना ही चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप बाहर जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ज़रूर। अब हाउसवाइफ बोलेंगी कि मैं तो बाहर ही नहीं जाती, तो मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं? अरे भाई, आप हीट में तो रहती हैं, लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें सनबर्न या सन टैनिंग क्यों होती है? क्योंकि वो सूरज की किरणों से उनके ऊपर पड़ती हैं, तो हीट पड़ती है उनके ऊपर, इसलिए उनकी स्किन कुछ रैसेस भी आ जाते हैं, झुलस सी जाती है। वैसे ही आप हीट के पास जाते हो, तो आप रसोई में जाते हो, किचन में जाते हो, खाना बनाते हो, स्टीम लगती है हर चीज़ की, और गैस गरम, अब गरम जगह पे होगे तो वहाँ गरम माहौल भी होगा, तो उस वजह से आपको गर्मी लगेगी, तो पसीना होगा ही, तो वो हीट लग रही है ना आपके फेस पे, तो जाहिर सी बात है कि अब हीट लगेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे पसीना ही बहुत आता है और पसीने से इचिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो छोटे छोटे सोल्यूशन हैं, जैसे आप जब खाली टाइम में हो, अब वर्किंग वूमेन या जो बोलते हैं कि कॉलेज गर्ल हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, मानते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन शाम को टाइम होता है। शाम को सब लोग घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं। इग्नोर करिएगा, हम बुद्धू नहीं कह रहे किसी को, लेकिन एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो कोई भी कहीं भी जाए, लेकिन शाम को अपने घर आता ही है। तो छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप कर सकते हैं, अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। जैसे आप कच्चे दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, गुलाब जल और ऑरेंज की कुछ बूंदें, ऑरेंज नहीं है तो आप नीम लेमन की कुछ बूंदें ले सकते हैं। और आपके पास टाइम नहीं है कि रोज़ उनको आप निकालें, निकाल के उनको लगाएं, तो ऐसा है, आप एक दिन बनाइए, उन सबको मिक्स करिए, और मिक्स करके आपकी आइस ट्रे में फिक्स कर दीजिए और लगा दीजिए फ्रीजर में। अब शाम को जब भी आप सोने के टाइम पर वो एक आइस क्यूब निकालें और फेस पर अपनी थोड़ी देर मसाज करें, और चाहे तो सो जाएं, और नहीं तो 10 मिनट बाद आप अपने ठंडे पानी से फेस धो सकती हैं। ये लेडीज़ें भी कर सकती हैं,
और लेडीज़ें, जैसे हमने बोला ना सनस्क्रीन सभी को लगानी चाहिए, तो हाउसवाइफ को भी सनस्क्रीन लगा के ही रहना चाहिए। भले वो SPF बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन 30 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है उसका लगाने का, सिर्फ नाम के लिए लगा सकते कि हाँ मैंने लगाया है। तो इसलिए, और आप ऐसा फेस पैक लगाएं जो आपको ठंडक दे, जैसे चंदन पाउडर हो गया, कुकुम्बर फेस पैक हो गया। हाँ, जैसे अब पसीना किसी को आता है, पिंपल्स हो जाते हैं, काफ़ी पिंपल्स यहाँ, मोस्टली यहाँ यहाँ ज़रूर होते हैं, मेरे भी हुआ था, शायद दिख नहीं रहा है। तो मैं तो रोज़ यही करती थी कि मैं तो कच्चा दूध ही लगा लेती थी, सिर्फ कच्चा दूध। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ आप रात में कच्चा दूध लगा के सोइए, फेस पे ऐसे लगा लीजिए, आपको धीरे 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 अगर पिंपल्स के दाग हैं वो चले जाएंगे। और अगर किसी को ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो वो आप नीम का फेस पैक लगा सकती हैं, कुछ भी करके, मतलब आप अपनी स्किन की केयर करिए गर्मी में, नहीं तो बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, कॉलेज गर्ल हो, वर्किंग वूमेन्स हो, या जेंट्स ही हो, जेंट्स को भी अच्छा दिखने का हक बनता है, तो वो भी कर सकते हैं। अब चंदन पाउडर जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं तो आप गुलाब जल ही लगाइए, गुलाब जल से बहुत ठंडक मिलती है। गेहूं का फेस पैक लगा सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब या ऑरेंज है, ऑरेंज के जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सी मलाई मिक्स कीजिए, दूध वाली मलाई, कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में रोज़ सबके दूध आता है, और मलाई मिक्स करिए और रात में लगा लीजिए। जैसे मेरे ना काफ़ी दिन पहले यहाँ पे ऐसे रैसेस जैसे हो गए, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने मलाई ली, मलाई में नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाले, और बस उसको रफ करके ऐसे 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 रफ कर लेती थी और बस सो जाती थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15 दिन में देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा मेरी स्किन पे, कुछ भी। इसलिए कुछ टिप्स करिए, और आप बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करिएगा, अगर मेरे पास सल्यूशन होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, और आगे भी ऐसे ही बताती रहूंगी। कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स से आप अच्छे अपनी लाइफ स्टाइल कर सकती हैं, और कुछ बातों को इग्नोर भी कर सकती हैं, सिर्फ उसी खाना बनाना है, खाना है, बच्चों की केयर करनी, वो अच्छी बात है, सब लोग करते हैं और आप भी करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए सभी को निकालना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हम खुश तो मेरा परिवार खुश, हम ठीक तो मेरा परिवार खुश। घर में आके ना एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जब बाहर से कोई आता है, घर के लोग सब ठीक ठाक और अच्छे मिलते हैं, अट्रैक्टिव मिलते हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी कुछ भी टिप्स अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।